एक पेड़ माँ के नाम, इसी मुहिम के साथ आज छपरा में जयप्रकाश विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर प्रमेंद्र कुमार वाजपेयी के द्वारा विश्वविद्यालय परिसर में सैकड़ों की संख्या में फलदार एवं छायादार पौधे लगाए गए। वहीं आज इस मुहिम के माध्यम से कुलपति ने सभी को एक एक पेड़ लगाने का संकल्प दिलवाया। बिहार पृथ्वी दिवस के अवसर पर कुलपति प्रोफेसर प्रमेंद्र कुमार वाजपेयी और वन प्रमंडलीय पदाधिकारी श्री राम सुंदर एम की गरिमामयी उपस्थिति में आज जयप्रकाश विश्वविद्यालय छपरा राष्ट्रीय सेवा योजना एवं वन विभाग बिहार सरकार छपरा के संयुक्त तत्वावधान में जयप्रकाश विश्वविद्यालय के अतिथि गृह परिसर एवं कुलपति आवास परिसर में बृहद पौधारोपण किया गया। इस अवसर पर प्रोफेसर प्रमेंद्र कुमार वाजपेयी, माननीय कुलपति महोदय एवं श्री राम सुंदर एम वन प्रमंडलीय पदाधिकारी ने अपने कर कमलों से पौधारोपण करके कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस अवसर पर सभी संकायाध्यक्ष एवं सभी विभागाध्यक्ष एवं शिक्षक तथा छात्रों ने भी अपनी माँ के नाम पर एक पौधा लगाया। प्रोफेसर हरिश्चंद्र समन्वयक राष्ट्रीय सेवा योजना ने सबका स्वागत किया। कुलपति ने बिहार पृथ्वी दिवस के अवसर पर पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग की तरफ से आए 11 सूत्रीय संकल्प की शपथ दिलवाई। इस अवसर पर प्रोफेसर अनिल कुमार सिंह संकायाध्यक्ष, प्रोफेसर कृष्ण कुमार संकायाध्यक्ष, प्रोफेसर अशोक कुमार संकायाध्यक्ष साइंस, प्रोफेसर राम नरेश राय अध्यक्ष स्नातकोत्तर हिंदी विभाग, प्रोफेसर सिद्धार्थ, प्रोफेसर अजय कुमार, प्रोफेसर महेंद्र सिंह अध्यक्ष स्नातकोत्तर भौतिक विज्ञान विभाग, प्रोफेसर रविंद्र कुमार सिंह अध्यक्ष रसायन शास्त्र विभाग, प्रोफेसर वीरेंद्र कुमार CDC, प्रोफेसर कमल कुमार डायरेक्टर परीक्षा विभाग, प्रोफेसर राणा विक्रम अध्यक्ष स्नातकोत्तर जंतु विज्ञान विभाग, प्रोफेसर उषा सिंह अध्यक्ष स्नातकोत्तर भूगोल विभाग, प्रोफेसर प्रशांत कुमार, प्रोफेसर दिवांशु कुमार, प्रोफेसर आशा रानी, प्रोफेसर सुधीर कुमार सिंह अध्यक्ष स्नातकोत्तर इतिहास विभाग, प्रोफेसर अमरनाथ अध्यक्ष स्नातकोत्तर अंग्रेजी विभाग, प्रोफेसर RD राय, डॉक्टर स्निग्धा असिस्टेंट परीक्षक नियंत्रक, डॉक्टर आशुतोष द्विवेदी संस्कृत विभाग, प्रोफेसर मजहर, प्रोफेसर AM हाशमी एवं NSS के स्वयंसेवक तथा स्वयंसेविकाओं एवं छात्र छात्राओं ने अपनी मां के नाम पर एक पौधा लगाया एवं सेल्फी भी सबने लिया। इसे एक गीत के माध्यम से बताना चाहूंगी। प्रकृति हुई अधीर, प्रकृति हुई अधीर, इसे अब धीर बढ़ाना है, अब पेड़ लगाना है, सब जीव बचाना है, अब पेड़ लगाना है, सब जीव बचाना है, सभी जीवों के संरक्षण के लिए और हमारे सभी लोगों के संरक्षण के लिए इस तरह के कार्यक्रम बहुत ही सराहनीय कार्यक्रम है। और ये हम लोग का एक एक वृक्ष जो हमें मिला है कि ताकि ये हम इसका संरक्षण करें और इसको हम अपने सामने बढ़ते हुए दें। क्या नाम है? अनुषा नाम है, संस्कृत डिपार्टमेंट। कैसा लग रहा है आज वृक्षारोपण का पहला कार्य? बहुत अच्छा लग रहा है सर, बहुत खुशी हो रही है पेड़ लगाने पर। और धरती हमारी माँ है, हम लोग को पेड़ लगाना चाहिए जिससे जो प्रदूषण हो रहा है वो प्रदूषण की रोकथाम हो, जिससे बहुत बीमारियाँ जो हो रही है शहर में वो बीमारियों को कम हो और जलवायु सही चले। अभी कितनी गर्मी हो रही है, उस गर्मी से भी थोड़ा रोकथाम के लिए पेड़ लगाना बहुत जरूरी, राहत मिले। क्या नाम है आपका? मुस्कान कुमार। बिहार पृथ्वी दिवस के अवसर पर एवं माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो पूरे राष्ट्र से अपील थी एक पेड़ माँ के नाम, इन दोनों को संयुक्त रूप से रिस्पेक्ट करते हुए आज जयप्रकाश विश्वविद्यालय छपरा के परिसर में विश्वविद्यालय एवं जो हमारा वन विभाग है उन दोनों के संयुक्त तत्वावधान में एक बृहद वृक्षारोपण कार्यक्रम हम लोगों ने तैयार किया है। इस कार्यक्रम के प्रथम फेज में जो हमारा गेस्ट हाउस है और कुलपति निवास है, इन दोनों में लगभग 350 वृक्ष लगाने का आज हम लोग संकल्प कर रहे हैं। इसके बाद कुल मिला के यहाँ पर हमारा 5,000 से 10,000 वृक्ष लगाने का पूरा संकल्प है। और धीरे धीरे जैसे जैसे कैंपस सुरक्षित होता जाएगा ये हम वृक्षारोपण का कार्य फेज में करते हैं। आज आपने सर एक बात कहा है कि एक वृक्ष माँ के नाम, इससे क्या मैसेज देंगे आप? मैसेज ये है, जैसा हम जान रहे हैं कि वन पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन पूरी दुनिया में सबसे बड़ी चिंता का विषय है, क्योंकि
हमारी पृथ्वी का अस्तित्व इससे खतरे में है और पूरी दुनिया में पर्यावरण प्रदूषण और जलवायु परिवर्तन के दुष्परिणाम हम सब देख रहे हैं। इसके लिए जो सबसे बड़ा काम हम कर सकते हैं कि व्यक्तिगत रूप पर अपने घर के आसपास, अपने कार्य करने के स्थल के आसपास, अपने जहां भी जगह हमको दिखती है वहां वृक्ष लगाएं। और सिर्फ वृक्ष लगाना काफ़ी नहीं है, वृक्षों को पालन पोषण करके बड़ा करें ताकि एक हरित भारत, एक ग्रीन इंडिया हम तैयार कर सकें और दुनिया में उदाहरण बन सकें कि पर्यावरण के प्रति भारत कितना संवेदनशील है। और ये तो हमारी संस्कृति का अंग है। हम लोग यहाँ से 200 वृक्ष को हम लोग उपलब्ध किया है। हम लोग का नर्सरी भी यूनिवर्सिटी का कैंपस में, तो इसलिए हम लोग का यूनिवर्सिटी का कितना उन लोग का जरूरी है उतना वृक्ष हम लोग भी दे सकते हैं। और वन प्रमंडल के द्वारा हम लोग का यहाँ पे फॉरेस्ट एरिया बहुत कम है सारण जिला में, तो इसलिए ऐसे यूनिवर्सिटी कैंपस में, स्कूल कैंपस में हम लोग एक मुहिम चला है। हाँ, वो पूरा अभी आज का दिन में हम लोग पूरा स्कूल्स में भी हम लोग का आज वृक्षारोपण का कार्यक्रम भी, छायादार और फलदार दोनों वृक्ष सब जगह की बोल रहे हैं। धन्यवाद। हम लोग का यहाँ से 200 वृक्ष को हम लोग उपलब्ध किया है। हम लोग का नर्सरी भी यूनिवर्सिटी का कैंपस में तो इसलिए हम लोग का यूनिवर्सिटी का कितना उन लोग का जरूरी है उतना वृक्ष हम लोग भी दे सकते हैं। और वन प्रमंडल के द्वारा हम लोग का यहाँ पे फॉरेस्ट एरिया बहुत कम है सारण जिला में, तो इसलिए ऐसे यूनिवर्सिटी कैंपस में, स्कूल कैंपस में हम लोग एक मुहिम चला है। हाँ, वो पूरा अभी आज का दिन में हम लोग पूरा स्कूल्स में भी हम लोग का आज वृक्षारोपण का कार्यक्रम भी, छायादार और फलदार दोनों वृक्ष सब जगह की बोल रहे हैं। धन्यवाद।